ठीक हो ना? तो आइए अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था बच्चों? री ऋषिका, री ऋतुका। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से लिख के अपनी कॉपी का पेज जो है वो सेव किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने अब तक भी होमवर्क नहीं सेव किया है। क्यों बच्चों? अब सीनियर के लिए थोड़ी ना हो, अब तो आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए हो, तो थोड़ा स्टडी बढ़ने वाला है। आइए देखते हैं आज हम री के बाद ए की पहचान क्या करने वाले हैं। ए की पहचान, ए की पहचान में क्या क्या आएगा? देखो ए कैसे निकालना, पहले तो स्टैंडिंग लाइन, पल्सो वन पल्सो स्टैंडिंग लाइन, और देखो लास्ट से हमने उसको किया है स्टैंडिंग लाइन। तो लिखो मेरे साथ, देखो दो स्टैंडिंग लाइन और तीन ऐसे। गुड, हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों आज? ए से ए, देखो ऐसे लिखते हैं ए, है ना? हम भी सीखेंगे थोड़े दिनों बाद। ए बच्चों, आज हमने सीखा ए, ए से एक, ए से एक तारा, ए से एक, ए एक अक्षर, एक लड़का, एक एड़ी, ऐसा ए से एकता, ए से एड़ी, ऐसे हमने शब्द सीखे हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमने आज क्या सीखा है? ए, ए से एड़ी, देखो इसे एड़ी कहते हैं, बराबर ना? ए से एड़ी, ए से एका, ए से एका, ए से एकत्र, देखो ए से एक, एक समझ में आया, एकता समझ में आई, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है एक ही। देखो आज हम सीखेंगे ए से एक, तो पहले हम सीखे हैं स्टैंडिंग लाइन। देखो ऐसे आप लोगों को लिखना है, कैसे कर रही हूँ मैं देख रहे सब बच्चे? ए से एक, ए से एड़ी, ए से एड़ी, देखो कैसे लिखना? ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक। अब हम नोटबुक में सीखेंगे क्या? ए से एक क्या सीखने वाले हैं? ए से एड़ी,
ए से एक, बोलना भी है और लिखना भी है। ऐसा करेंगे तो आप लोगों का रीडिंग भी अच्छा हो सकती है बच्चों। ए से एक, ए से एक, ए से एक, ऐसा आपको फुल पेज लिख के ग्रुप पे कब सेंड करना है? वेरी गुड, शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। हाँ, बहुत इजी है, कैसे निकालना है मैंने सिखाया है आप लोगों को। ए से एडी, ऐसे लिख के आपको ग्रुप पे वो सेंड करना है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।